मैं हूँ योशु मायापुरी। न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइकॉनिक सिंगर के जिनका देहांत 31 मई को हो गया था, कोलकाता में एक परफॉर्मेंस के बाद बता दे कि उनको आज क्रीमेट किया गया। सेलिब्रिटीज यहाँ नजर आए, जैसे हरिहरन, अभिजीत भट्टाचार्य, श्रेया घोषाल, सलीम मर्चेंट, शंकर महादेवन और जावेद अख्तर जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ नजर आए उनको एक लास्ट गुड बाय देने के लिए। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फर्स्ट हिस्टोरिकल फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, जो बेस्ड है फियरलेस माइटी किंग पृथ्वीराज चौहान के ऊपर, बता दे कि ये फिल्म 3 जून को सिनेमा घरों में रिलीज होने जा रहा है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है रीसेंट इन्फॉर्मेशन द्वारा कि 2 कंट्रीज में ये फिल्म बैन है, और वो है कुवैत और ओमान। इन दोनों कंट्रीज ने इस फिल्म को बैन कर दिया है अपनी कंट्री में। इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा, और ये फिल्म फ्राइडे को हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होने वाला है। इस फिल्म से मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी चिल्लर भी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। विभू पुरी, जो रेडी थे डायरेक्ट करने के लिए कई सारे एपिसोड्स नेटफ्लिक्स के मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन सीरीज अप टू डेट, हम बात कर रहे हैं हीरा मंडी के बारे में, वेल बता दे कि अब विभू इस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। रिलायबल सोर्सेस के द्वारा ये पता चला है कि संजय लीला बंसाली इस सीरीज को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और पर्सनली फर्स्ट एपिसोड भी डायरेक्ट करने जा रहे हैं, और बाकी के एपिसोड्स विभू डायरेक्ट करने जा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बताया जा रहा है कि बाकी के एपिसोड्स में तक्षरा कुमार डायरेक्ट करने जा रही हैं। उन्होंने पहले भी संजय लीला बंसाली के साथ काम किया था एज एसोसिएट डायरेक्टर फिल्म बाजीराव मस्तानी और पद्मावत में। सिद्धू मूसेवाला के डेथ के बाद सिंगर बादशाह ने शेयर किया कि उनको कितने हेट्रेड मिल रहे हैं और उनको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं। रिसेंटली बादशाह ने शेयर किया था अपने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉट। एक यूज़र ने उनको मैसेज किया था, तू कब मरेगा, और इसकी ही स्क्रीनशॉट उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर की और लिखा, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया व्हाट सॉर्ट ऑफ हेट वी फेस ऑन एन एवरीडे बेसिस। उन्होंने अपने नेक्स्ट स्टोरी पर कंटिन्यू करते हुए लिखा, व्हाट यू सी इज़ एन इल्यूजन, व्हाट यू हियर इज़ अ लाई, Some dying to meet you, some pray for you to die. सिंगर बादशाह एक बहुत बड़ा नाम है हिंदी और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में, और वो मैसिव फैन फॉलोइंग ओवर 12 मिलियन फॉलोअर्स इंजॉय करते हैं अपने इंस्टाग्राम पर। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने फाइल किया था एक एप्लीकेशन जिसमें वो सीख कर रही थी परमिशन टू ट्रैवल अब्रॉड एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए। बता दें कि उनका ये प्ली जो है वो ग्रांट हो चुका है। एक्ट्रेस को उनका पासपोर्ट वापस मिल चुका है और उनको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए अलाउ किया गया है ट्रैवल करने के लिए अबू धाबी में। अबू धाबी में एक्ट्रेस ट्रैवल करेंगी। 2 जून से लेकर 5 जून को एक्ट्रेस को इतनी परमिशन ग्रांट हुई है। पिछले साल सितंबर में रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था एनसीबी द्वारा ड्रग्स के सिलसिले में। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स के इशू की वजह से उनको पकड़ा गया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी को एक बार फिर स्पॉट किया गया एयरपोर्ट में। रिसेंटली दिशा को अपने एप्स फ्लॉन्ट करते हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था पैपराजी द्वारा, और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी। स्पेशली दिशा की टोन्ड फिगर को देखकर फैंस काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए थे और उनके एप्स को देखकर। एक और वीडियो आउट हुई है जो रिसेंटली पैपराजी द्वारा उनके पेजेस में शेयर की जा रही है, जिसमें हम दिशा को बेज कलर के टॉप और वाइट पैंट्स में देख सकते हैं। उनका आउटफिट काफ़ी ज़्यादा कैजुअल है, लेकिन फिर भी इस आउटफिट में काफ़ी स्टनिंग लग रही हैं दिशा, और इस आउटफिट को रॉक करती हुई नज़र आई। एक्ट्रेस पूजा हेगड़े अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। पूजा के इंस्टाग्राम पर 20.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। रिसेंटली पूजा ने कुछ एस्थेटिक पिक्चर्स शेयर किए हैं जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हैं। इन पिक्चर्स में हम पूजा को इंडियन साड़ी में देख सकते हैं, गोल्डन कलर की साड़ी में देख सकते हैं, जिसमें वो काफ़ी एलिगेंट लग रही हैं। अलग अलग पोजेस देते हुए पूजा ने कुछ सीरीज ऑफ पिक्चर्स शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, स्माइल स्पार्कल शाइन, और उन्होंने क्राउन इमोजी यूज़ करते हुए लिखा, #allthingsgolden। पूजा हेगड़े के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वो हमें फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में नज़र आने वाली हैं।
इसके अलावा वो हमें रणवीर सिंह के साथ सर्कस में भी नजर आएंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर प्रेग्नेंट है और अपनी प्रेगनेंसी को काफी इंजॉय करती हुई नजर आ रही है। रिसेंटली सोनम कपूर की एक पिक्चर वायरल हुई थी जिसमें वो अपना बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही थी। वेल बता दें कि सोनम ने रिसेंटली इंजॉय किया अपने हस्बैंड आनंद आहूजा के साथ एक लंच डेट और इसके कुछ ग्लिम्स उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर किए। उन्होंने कुछ वीडियो शेयर किए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये दिखाते हुए कि वो कितना एंजॉय कर रही हैं अपने हस्बैंड आनंद आहूजा के साथ और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। वो पास्ता के मज़े ले रही हैं और साथ में जूस भी पी रही हैं। सोनम का फेस ग्लो कर रहा है, हम ये कह सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी ग्लो है। एक्ट्रेस सारा अली खान ने किया इंटरनेट का टेम्परेचर रेस। जी हाँ, सारा अली खान ने एक पिक्चर शेयर की है, एक बिकिनी पिक्चर शेयर की है जो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल होता हुआ नज़र आ रहा है। सारा अली खान ने यह पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया। सारा के इंस्टाग्राम पर 40.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस पिक में हम देख सकते हैं कि सारा ने एक टाई डाई बिकिनी पहना है। इन दिनों टाई डाई का ट्रेंड चल रहा है और इसे बिकिनी के तौर पर आजमाती हुई नजर आई सारा अपनी वेल टोन्ड बॉडी फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई और पूल में कैंडिड पोज देती हुई नजर आई। जैसे ही सारा ने ये पिक्चर शेयर की वैसे ही फैंस के कमेंट सामने आने लगे और अनगिनत मात्रा में लाइक्स भी सामने आने लगे। एक्ट्रेस जानवी कपूर को क्वेश्चन किया नेटिजन्स ने। वेल, जानवी ने रिसेंटली एक रील वीडियो शेयर की सुपरमार्केट से जहां वो डांस करती हुई नजर आ रही हैं एक सॉन्ग में, और ये सॉन्ग उनकी फिल्म का नहीं है बल्कि वरुण धवन और कियारा आडवाणी की फिल्म जुग जुग जियो का है। वेल बता दें कि इसमें वो डांस करती हुई नज़र आ रही हैं और काफ़ी मज़े करती हुई नज़र आ रही हैं और उन्होंने ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सुपरमार्केट में बवाल, ओनली बिकॉज यू डेड मी टू, एट द रेट वरुण धवन अब बोलो, हैश टैग जुग जुग जियो। उन्होंने इसमें अपनी अपकमिंग मूवी का नाम बवाल भी मेंशन किया और यहाँ फैंस ये क्वेश्चन पूछते हुए नजर आए जानवी को कि इस वीडियो के साथ क्या वो बवाल को प्रमोट कर रही हैं या फिर जुग जुग जियो को। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी का।